एकदम पहाड़ों में हम चाय पी रहे हैं भाई। आपको नज़ारे दिखाता हूँ मैं। Cheers guys! अभी हमने यहाँ से वुल्फ देखा, वो वहाँ पे था। जिसके साथ अल्लाह होता है ना, उसको डरने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हम रात गुजार सकते हैं आराम से। हम सर नहीं है उसका, कोई ना कोई सानी। आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स ही कितनी खूबसूरत जगह है। वी फाउंड एन अबेंडेंट विलेज इन द माउंटेन्स। बीच बीच में टाइम निकाल के ऐसी जगहों पे जाना चाहिए। फ्री की सीख है गाइस, ले लो, कहीं नहीं मिलेगी ये शिक्षा। तुम्हारा बाप शेर है। चाय बनाएंगे चाय। शेर है शेर, तुम्हारे साथ हर जगह चलने के लिए तैयार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में एकदम मज़े से संडे गुजार रहे होंगे। तो हाँ जी, आज है सुपर स्पेशल संडे और हर संडे की तरह आज भी हमने प्लान बनाया है बाहर निकलने का और आ गए हैं जी पहाड़ों में। तो आज के वीडियो में हम पहाड़ एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ी सी बर्फ़ भी गिरी हुई है तो बर्फ़ के भी मज़े लेंगे और चाय बनाएंगे, खूब कुछ करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोज़ आ गए ढेर सारे आने वाले हैं। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक कमेंट और शेयर नहीं करा ना, तो तीनों एकदम कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी ढेर सारी वीडियो, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। सो पापा और मैं हैं एज़ यूजुअल। पापा कुछ बोलना चाहते हैं आप ऑडियंस से? हाँ, बहुत कुछ बोलना है। तो आज हम निकले हैं दोनों बाप बेटे अल्लाह के फजल से और आपके लिए एक नया वीडियो बनाने के लिए हम बेहतरीन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप तक एक अच्छा वीडियो पहुंचाने की। तो सब्सक्राइब, वाओ वाओ, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यूं ही अपना जो है प्यार दिखाते रहिए और हम भी इंशाल्लाह आप तक अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह, गॉड ब्लेस। तो जी आज हम लोग एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं, घूमेंगे, देखेंगे क्या कुछ देखने को मिलेगा और कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, ऑब्वियसली आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और जगह के बारे में हम लोग आपको नहीं बताने वाले, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आज धूप अच्छी खासी निकली हुई है, मौसम एकदम ज़बरदस्त है। तो ये तो मैं किस्मत ही बोलूँगा कि किस हमारी किस्मत आज अच्छी थी कि ऐसा मौसम हमें मिला, है ना पापा? तो जी आज देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलेगा, आपके साथ शेयर करते हैं। बाय द वे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ से चिड़िया हैं, कबूतर हैं, एकदम आपने भी अभी वीडियो में देखा एकदम मज़े से ऐश कर रहे हैं। तो हम भी आज आ चुके हैं, तो देखते हैं आगे क्या कुछ रहेगा, ठीक है। बाय द वे ये ट्रायल आप देखें एकदम स्लीपरी है, पानी पानी है क्योंकि थोड़ी सी बर्फ़ गिरी थी। सो ऐसा कुछ सीन है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बर्फ़ है, ठीक है, ताज़ी ताज़ी बर्फ़, ताज़ी ताज़ी बर्फ़ है। और कुछ ऐसे नज़ारे हैं, माशाल्लाह आज मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए यहाँ से शायद गाड़ी चढ़ती है, ये गाड़ी का रोड है ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी पता नहीं, नेचुरली ऐसा है, बनाया गया है, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं पता, बट जो भी है अच्छा है। जब हम 4x4 पापा लाएंगे, हाँ, तब हम यहाँ पे गाड़ी लेके आएंगे ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। बस आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहे, सपोर्ट करते रहे, मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, सबसे पहले अल्लाह ताला का, उसके बाद आप सभी लोगों का। आप सब लोग इतना ज़्यादा प्यार देते ना कि मेशर गैर बेहत ही लागत ना मैत ना पापस पापा और मैं बस इसी देर में रहते हैं कि कब हम एक नया वीडियो, अच्छा वीडियो बना आपके सामने पेश करें। मैं बहुत ही खुश हूँ कि जब भी हमने कोई भी कोशिश की है वो नाकाम नहीं हुई, आप सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो बस कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही प्यार बरसाते रहें और बस अल्लाह का फजल होना चाहिए, ऐसे ही रहमत होनी चाहिए हम पे और आप सब पे भी।
तो जी आज देखते क्या कुछ रहेगा, काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई। ये देखिए मैंने जो बोला था, ये गाड़ी का ऐसा ट्रैक सा लग रहा है, देखिए यहाँ से गाड़ी आती होगी पक्का, आई एम 100% श्योर। देखते हैं कहाँ को पहुँचाता है ये रास्ता, ठीक है। अभी हमने यहाँ से वुल्फ देखा, शायद लोमड़ी, लोमड़ी उसी को बोलते शायद, शाल बोलते कश्मीरी में हम, वो वहाँ पे था शाल, लोमड़ी, वुल्फ, जो भी आप समझ रहे हैं मेरे बोलने से वो समझ लो भाई साहब, टू स्कैरी। और आपको बता दूँ भालू का ख़तरा भी है यहाँ से, तो देखते हैं भाई, हमें नहीं मिलना चाहिए भालू, गड़बड़ हो जाएगी। बाकी अल्लाह पे छोड़ दे यार, डरना नहीं चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जिसके साथ अल्लाह होता है ना उसको डरने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो हम जब भी निकलते हैं हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि क्या कुछ रहेगा हमारे साथ, क्या कुछ होगा, ऊपर वाले पे छोड़ दो, बाकी देख लेगा वो खुद, ठीक है। तो अभी चलते हैं, बाकी मज़े तो ले ही रहे हैं, ठीक है। अगर वो लोमड़ी वहीं पर थी तो मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा, अब होनी चाहिए वहाँ पे। मैंने नहीं देखी, पापा को दिख गई, फिर पापा ने पॉइंट आउट करा तो मैंने भी देख ली। पापा ने पहली बार देखी है लोमड़ी, देखिए भाई ट्रैक, ट्रैकिंग ट्रैकिंग ट्रैकिंग, यहाँ से पापा, एक ही बात है। हाय ये देखिए यहाँ से नीचे से गहरा है भाई, मज़ा आ रहा है पापा, मेरा दिल बहुत खुश हो गया कसम से। ओह 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 क्या व्यू है यार, माशाल्लाह। ये यहाँ पे था वो वुल्फ, भाग गया होगा है ना। व्यू देखो यार गाइस, वाओ माशाल्लाह। ये यहाँ पे एक पत्थर सा है, यहाँ पे देखेंगे क्या कुछ है, फोटो वोटो रील्स वगैरह बनाएंगे, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओए होए होए, यहाँ पे हम रात गुजार सकते हैं आराम से, यहाँ पे कुछ जानवर भी चढ़ा हुआ है, ये देखो। आय हाय जबरदस्त एकदम, ज़्यादा आगे मत जाना। और नीचे दरिया है, वो देखिए आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, वो देखिए वहाँ से वो दरिया आ रहा है, एकदम ज़बरदस्त। ये देखिए बर्फ 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 बर्फ, अभी हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे पूरी बर्फ है। क्या नज़ारे हैं कुदरत के, क्या नज़ारे हैं, जबरदस्त है ना, कसम से बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्या बैठे थे आप भी दुकान में हैं? हाँ, तो मैं जब भी मुझे मेरी सांस फूलती है ना, तो मुझे या तो शेर याद आ जाता है या तो फिर कोई गाना शाना याद आ जाता है। आज मैं ना ही गाना सुनाऊँगा ना ही और कुछ, आज मैं अल्लाह की हमद के कुछ अशार पढ़ के सुनाऊंगा। तो मैं पहले बैठता हूँ, दम संभालता हूँ, उसके बाद मैं नातिया कलाम पेश करूँगा इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स के लिए। तो बने रहिए, मैं अपना नातिया कलाम अपने व्यूअर्स के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले बैठता हूँ, बैठो। सांस फूल रही है बंदे की। चलिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द ओ सना उसी को जो ज़ाति जावेदानी, हम्द ओ सना उसी को जो ज़ाति जावेदानी, हम सर नहीं है उसका कोई न कोई सानी। नारे तकबीर। हम सर नहीं है उसका कोई न
ना कोई सानी, बाकी वही हमेशा, बाकी वही हमेशा, गैर उसके सब है फानी, गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी, गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी, सब गैर हैं वही है एक दिल का यार जानी, सब गैर हैं वही है एक दिल का यार जानी, दिल में मेरे यही है सुबहानमयी रानी, दिल में मेरे यही है सुबहानमयी रानी। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। तो भाई यहाँ पे इस पत्थर पे हमने रील्स बनाए, अगर आपको रील्स और फोटोग्राफ्स देखने हैं ना तो आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं पापा को भी, मुझे भी, डिस्क्रिप्शन में आईडीज़ में मेंशन कर दूंगा और मतलब लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्या ही जगह यार, मच रिकमेंडेड जगह। अगर आप भी आना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरे को टेक्स्ट करते, मैं बता दूंगा कहाँ पे है। ये देखिए और आगे वो बर्फ वाला पहाड़, ये पापा बाय द वे काफ़ी मस्त मस्त फोटोज़ और वीडियोस बनाते हैं, मेरे जो भी रील्स वगैरह रहती है ना मेरे घूमने फिरने की वो पापा ही मेरे शूट करते हैं। तो थैंक्स टू पापा और थैंक्स टू यू ऑल, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को भी। कभी ना कभी जब टाइम आएगा पे बैक टाइम, इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों को ज़रूर याद रखूँगा उस टाइम पर। बस आप तब तक बने रहिए जब तक कुछ जुगाड़ हो जाता है। ब्रो दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, आई कॉन्ट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ये कितनी खूबसूरत जगह है। वहाँ से वो परिंदे उड़ रहे हैं भाई, क्या प्यारा लग रहा है ना यार, एकदम ज़बरदस्त। अच्छा यहाँ पे घर भी है पापा, हाँ ये रोड घर की तरफ आ रहा था माशाल्लाह। इसको क्या बोलते हैं यहाँ तो कश्मीर में, कोठा ही बोलते हैं। कोठा नहीं, लेकिन कोठा तो गलत वर्ड है, लेकिन यहाँ बोलते हैं ये जो जंगलों में लॉक, जंगलों में जो इस तरह के कच्चे घर लकड़ी और मट्टी से बने होते हैं उनको यहाँ कश्मीरी लोग कोठा ही बोलते हैं। बांड, बांडी भी बोलते बांड हैं, बांड कश्मीरी में बांड भी बोलते हैं लेकिन कोठा भी बोलते हैं। चलिए भाई वो वाला कोठा मत समझना, ये वाला कोठा हम दिखाएंगे आपको कैसा होता है। अगर अंदर भालू हुआ तो, हमेशा मैं भालू से डरता हूँ क्योंकि भालू एकदम वो सुनता नहीं है ना किसी की, हाँ। वो अपनी करता है मन मर्जी, होता है बहरा, बहरा भालू, बहरा होता है डीफ। और एक भी है उधर, दो घर हैं यहाँ पे। ओए होए यहाँ तो पूरी बस्ती है, हाँ। टाइटल में लिखेंगे वी फाउंड एन अबेंडेंट विलेज इन द माउंटेन्स, आराम से यहाँ देख के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। पापा पापा डर रहे हैं। बहरहाल काइंड ऑफ डर तो लगता है, डर लगता है, ये जान होती है ना ये बहुत प्यारी। नहीं हमें काम करेंगे, आपके पीछे से उस वहां से जाएंगे उस टॉप पे, चलो उस वाले घर की तरफ चलो। तो जान तो बाय द वे हर एक की प्यारी होती है, तो इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, फर्ज है, अवलीन फर्ज है ना, तो इसलिए थोड़ा डर डर के हम चलना पड़ता है। चले जी बहुत है भाई, ये कुरकुरी आवाज आप सुन सकते हैं, बहुत ही मजा आता है आवाज सुन के, बर्फ पे चलने की आवाज।
आ गए हैं हम, बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं। अब भूख भी काफ़ी लग रही है, अब हम यहाँ थोड़ा रेस्ट लेंगे और चाय शाय बना के पियेंगे। हाँ चाय शाय बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह। चाय शाय बनाएंगे, मैगी लाना हम भूल गए थे नीचे से, क्या करें इंसान ऐसा ही होता है ना, कभी भूलता है चीज़ें कभी कुछ, तो इट हार्डली मैटर्स ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम खाए पिए, चाय हम बनाएंगे एकदम ज़बरदस्त तरीके से। भाई क्या जगह है यहाँ पे, कोई है बाबा यहाँ पे, कोई है क्या तो नहीं रहा है, कोई है, इसके घर के अंदर कुछ सामान सामान पड़ा लग रहा है, घर के अंदर कुछ सामान वामान है। ट्रैकिंग से क्या होगा, पापा का जो ये वेट है, वेट लॉस होगा, तो ये हमें बेनिफिट मिलता है अगर हम ट्रैकिंग मोस्टली अगर हम ट्रैकिंग वाली वीडियोस बना रहे ना, तो हमें फ़ायदा है क्योंकि इससे पापा का जो वेट लॉस होगा और ये मतलब फिटनेस इनकी बढ़ेगी, उससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हम दोनों की स्टैमिना बढ़ेगा, तो ये एक अच्छी बात है। मैं आप सब लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग अच्छा हाँ, तो हम इस घर की बात कर रहे थे, हम पहुंच गए यहाँ पे, देखिए एकदम पूरा लकड़ी का बना है, आप सब ने देखा होगा, लेकिन इसकी एक बात है ये बंधा हुआ नहीं है चारों तरफ से, है ना, ये खुला है एकदम, यहाँ पे चूल्हा भी है, अरे हाय पूरा घर है एकदम माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त चूल्हा बना है, क्या चूल्हा है ना देसी चूल्हा। वॉक अराउंड दे देता हूँ मैं आपको, देखिए भाई आए हाय क्या जगह है यार क्या जगह है, बहुत प्यारी जगह पे हम पहुंच गए, और ये इस घर की छत है और इस पे बर्फ जमी हुई है, और ये लोकेशन दिखाओ व्यूअर्स को, कितनी प्यारी लोकेशन है माशाल्लाह, कितनी ज्यादा खूबसूरती है देखिए, आए हाय जो लोग यहाँ पे रहते होंगे ना जबरदस्त, लेकिन असल में इस जगह की नहीं, जगह की खूबसूरती इस बर्फ से बढ़ रही है मुझे लगता है अभी के लिए, है ना, अपने हर एक मौसम की अपनी एक अलग अलग पहचान होती है, हाँ वाइब होती है। बाय द वे घर आप देख सकते हैं, अभी हम यहाँ रेस्ट करेंगे, घास फूस डली है नीचे, तो ये घास फूस पे हम बैठ के आराम करेंगे और थोड़ी चाय बनाएंगे, ये देखिए भाई मजा आएगा, तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चाय बनाएंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, है ना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, थकावट भी बहुत ज़्यादा हुई है, हाँ थक तो गई है, चाय बनाएंगे पियेंगे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, बैग में पूरा सामान लेके आए हैं हम। हाँ बिस्मिल्लाह, चलो भाई चाय की तैयारी शुरू करते हैं, लेट्स गो। चाय टाइम गाइस, ये मेरा वाला हथियार है, ये मैं अपने पास ही रखता हूँ, अभी भी जरूरत पड़ सकती है। ठंड है यार काफी ज्यादा बहुत मजा आ रहा, बहुत मजा। तो व्यूअर्स, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, बीच बीच में टाइम निकाल के ऐसी जगहों पे जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहिए, और जो माइंड में परेशानियाँ होती हैं, दुख होते हैं, दर्द होते हैं, उनको इन पहाड़ों के हवाले करना चाहिए। हाँ सही कह रहा हूँ, मान लो मेरी बात, फ्री किसी के अभी भी मौका है, मान लो मेरी बात, मान लो मान लो मान लो, फ्री की सीख है गाइस, ले लो, कहीं नहीं मिलेगी ये शिक्षा। जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है, बंदा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, पता है, मजे ले लिया करो यार खूबसूरत नजारों के, अल्लाह ने हमारे लिए रखे हैं यार देखने के लिए, लेकिन हम देखते ही नहीं है। हाँ अब हमारी चाय जो बनेगी दूध में पत्ती, मतलब ये कि हम उसमें पानी शानी नहीं डालेंगे, पानी कैसे डालेंगे यार, हम पानी लाए नहीं, लाए हैं पानी, पानी लाए फिर भी नहीं डालना यार, दूध में ही बनाओ और अच्छी बननी चाहिए चाय यार, कड़क बनाना, चाय पत्ती थोड़ा उसमें तेज डालना है, बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह। पूरी बना ले? हाँ बनाओ, पूरी पियेंगे, दो दो कप पियेंगे यार, थोड़ा गर्म हो जाएंगे। और पता नहीं कितनी पहाड़ियाँ चढ़वाओगे यार, लेकिन मैं भी हिम्मत करके आया हूँ, कोई टेंशन नहीं। कस के बेल्ट बांध दिया आज, जितना मर्जी चलो, जितनी मर्जी पहाड़ियाँ चढ़ो, तुम्हारा बाप शेर है। चाय बनाएंगे, चाय। शेर है शेर, तुम्हारे साथ हर जगह चलने के लिए तैयार है। हारूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, बस कदम से कदम मिला के तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। अल्लाह मियाँ कुरान में फरमाते हैं, फबी आई आलाई रब्बी को माँ तो कज़िबान, कि ए मेरे बंदे तू मेरी किस किस नियमत का इनकार करोगे। अब देखिए हम अपने घर से चल पड़े, यहाँ उसने हमारे लिए एक घर बना के रखा है, हमारे लिए छत का इंतज़ाम किया है, हमारे लिए चाय का इंतज़ाम किया है, लकड़ी का इंतज़ाम किया है, सोफे का इंतज़ाम किया है, तो भला बताओ हम उसकी किस किस नियमत का इनकार करेंगे। नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। अल्लाह वाकई सबसे बड़ा है। अल्लाह ने यह दुनिया वाकई हमारे लिए बनाई है, वाकई। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, उसको उसके लिए नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें। वो हमारी नमाज़ों का मोहताज नहीं है, लेकिन हम खुद ही मोहताज हैं अल्लाह के, वाकई में। दो मिनट भी नहीं हुए, चाय तैयार हो गई है, गर्मा गर्म चाय, और वो भी बड़े से बर्फीले पहाड़ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ए अल्लाह, जितना भी हम तेरा जिक्र करें, तेरा शुक्र करें, कम ही कम है, कम ही कम है, कम ही कम नहीं कर सकते हम। हमारी ज़बानें इतनी बड़ी नहीं है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। आप मेरे हाथ में दो, मैं इसको पता है कैसे घुमाते हैं, इसको ऐसे घुमाते, ऐसे 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 घुमाते हैं इसको। मगर शिमल लीक कर। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। आ जा इधर भाई, चाय रेडी हो गई है। ये चाय हमारी रेडी हो गई है भाई, अभी हम चाय पियेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। ये देखिए कहाँ पे हमारी चाय बनी है, चाय बनके रेडी है। ये देखिए बाहर का व्यू, अरे भाई 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 भाई, भाई। ये अनमैचेबल है यार, देखिए भाई गजब। अब पापा गैस को बंद कर दें? नहीं नहीं, थोड़ा सा इसको कड़क बनने देते हैं। कड़क चाय, डोली भैया की कड़क चाय पियेंगे हम इंशाल्लाह। डोली भैया की कड़क चाय। हो गया है गैस बंद, चलिए जी। अरे रोटी थी ना हमारे पास। हाँ रोटी है, रोटी खाएंगे। एक सेकंड चलिए। ओह 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 किरामत देना मेरे हाथों पे। बस ले ले। ये कश्मीरी कुलचा, खशखश वाला कुलचा है। पहले चाय पी के देखते हैं। मैं यही खाऊंगा, कुलचा ही खाऊंगा मैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकत ला। ओए होए बहुत जबरदस्त पहाड़ों वाली चाय। एकदम पहाड़ों में हम चाय पी रहे हैं भाई, आपको नजारे दिखाता हूं मैं। चीयर्स गाइस, चीयर्स भाई लोग, चीयर्स दोस्तों, चीयर्स यूट्यूब फैमिली, आई लव यू ऑल। सो रिफ्रेशिंग, जबरदस्त।
सो फाइनली चाय हमारी हो गई है, चाय हमने पी ली है और अभी हम निकलते हैं यहाँ से। पापा लिटरली कैसा लगा? बहुत जबरदस्त लगा, बहुत मजा आया, बहुत मजा भाई। जो वाइब यहाँ पे अभी हम ले रहे थे ना, अभी तक या अभी भी ले रहे हैं, वो भाई आपको हम बता नहीं सकते। आप अगर यहाँ पे आना चाहते हैं या आप आ सकते हैं यहाँ पे, तो ही आप वो वाइब ले सकते हैं, फील कर सकते हैं, बाकी हम बोल नहीं सकते। तो अभी इस खूबसूरत सी जगह को हम टाटा बाय बाय करते हैं, अपना घर को निकलते हैं, देखते हैं क्या कुछ होगा। ठीक है, चले लेट्स गो ट्रूपर्स। वाओ, लेकिन धूप भी अच्छी खासी है, धूप है, तेज तेज धूप, बहुत जबरदस्त। ये देखो भाई, ये है व्यू। इधर आ जाओ, इधर रिवर्स को दिखाओ। ये एक्चुअली ये पता किन का है, ये जो शेफर्ड्स है ना उन्हीं का है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ये देखिए, ये शीप्स का वो है, शीप्स की टट्टी है। माशाल्लाह भाई क्या व्यू है यार, मस्त। ऑब्वियसली मुझे बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, आप देख सकते हैं खुद ही, है ना। देखिए भाई क्या नजारे हैं यार, क्या नजारे हैं। तो अभी बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से ये पानी आ रहा है, बर्फ पिघल रही है और ये बर्फ का पानी है ना। तो अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं वापस। बिस्मिल्लाह, आराम से आराम से। ये देखिए रास्ता कैसा है, खतरनाक रास्ता है, खतरनाक रास्ता है। गर्मा गर्म, हाँ कोई ठंड नहीं। अच्छा ठंडी लगी, अच्छा अच्छा। तो बर्फ क्या बिगाड़ेगा हमारा, कुछ नहीं। तो भाइयों, दोस्तों और बहनों या जो भी देख रहे हैं, ये था आज का हमारा वीडियो। और जंगल हमने आज एक्सप्लोर किया, चाय बनाई और खूबसूरत सी चीज़ें देखी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और शेयर जो है ज़रूर करना, आप शेयर नहीं करते आप लोग, जितना ज़्यादा अच्छा ही लगा होगा, इंशाल्लाह। और हमने वीडियो बनाई ही ऐसा है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, हर एक को अच्छा लगने वाला, माशाल्लाह बहुत अच्छा वीडियो है। तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप हमारा वीडियो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अब पापा ने भी बता दिया है, तो शेयर ज़रूर करना। शेयर से क्या होता है, बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगा और वो भी हमारी वीडियो देखेंगे, हमें काफ़ी मदद मिलेगी अगर आप शेयर करेंगे। तो बस मिलते हैं अगले किसी खूबसूरत से वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।